बहुत एक्साइटेड है ऑब्वियसली, जब भी एक नया शो लॉन्च होता है, एक नया प्रोजेक्ट आता है, तो आप नए तरीके से अपनी पूरी एनर्जी उसमें डालते हैं, दो आप हर प्रोजेक्ट में वो सब कुछ करते हैं, बट एक नर्वसनेस भी होती है बिकॉज यू नो फर्स्ट टाइम आप कैरेक्टर में आ रहे हैं, एक डिफरेंट तरह से आप उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं, और लॉन्च से पहले ये सब कुछ होता है, तो एक नर्वसनेस होती है कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा उस कैरेक्टर को लेके, तो आई थिंक उस बेसिस पे थोड़ी नर्वसनेस है, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज हमने बहुत वेट किया है इसके लिए। आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर के 1.5 साल पहले हमने शो पिच किया था चैनल को, एंड इट टुक अस दैट मच टाइम टू शो की प्रोग्रेस में और उसको इस दौर पे लाते हुए, इस मुकाम पे लाते हुए, तो आज कुछ ही दिनों बाद वो फाइनली वो दिन आने वाला है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बाबा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जब शो की ऑफ़र ऐसे आई थी कि मैंने मेरे हमारे जो पुराने राइटर हैं जिन्होंने मेरा पहले भी एक शो लिखा हुआ है छोटी सरदारनी, वो सेम उसके राइटर्स हैं, तो उनके साथ मेरी बात हुई थी और उन्होंने मेरे को ये शो की स्टोरी बताई, और फिर मैंने डोम प्रोडक्शंस जो मोहम्मद सर मज़ा सर की कंपनी है उनको जाके बताया कि ऐसा ऐसा एक शो है, तो फिर उन्होंने इसको कंसिडर किया एंड देयर इट ऑल स्टार्टेड। तो जहाँ तक कास्टिंग की बात है तो वो तो इनिशियली थी मेरी पहले से। सी सेम टाइम के तो लुक वैसे भी बहुत शोज़ में होते हैं लोगों के, सो जस्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग अ टर्बन डजंट मीन के भाई मैं वही सेम कैरेक्टर हूँ जो मैंने पहले किया हुआ है। तो ऐसे तो मैंने बिना टर्बन के भी बहुत सारे शोज़ किए, तो इसका मतलब लोग मुझे बोलेंगे कि वहाँ पर भी ये वो सेम लुक थी, उसके बाद भी सेम लुक आई। शाहरुख खान को देख लो आप, सलमान खान, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मैं टीवी में से तो नहीं लूँगा बट मैं उनकी एग्जाम्पल लूँगा बिकॉज दे आर एस्टैब्लिश। तो अगर वो लोग अपनी सेम लुक के साथ हर एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो आई थिंक टर्बन में भी उतना लिबरल होना चाहिए लोगों को भी, और उतनी लिबरल होनी चाहिए इंडस्ट्री को भी कि उतना फ्रीडम मिले कि भाई आप एक कैरेक्टर को जस्ट बिकॉज टर्बन पहनी है तो उसके साथ दूसरे कैरेक्टर को दूसरी तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। शी इज़ अ नाइस गर्ल, वो अभी आई थिंक शी इज़ वेरी न्यू, और उनको थोड़ा बिकॉज शी इज़ नॉट अ पंजाबी तो थोड़ी पंजाबी में प्रॉब्लम आती है, बट आई एम देयर टू हेल्प हर ऑल द टाइम, बट शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वो हमेशा हर समय शी इज़ ऑलवेज इन टू हर डायलॉग्स, मतलब वो हमेशा प्रिपेयर करती रहती हैं, वो बैठी भी होती हैं, कट होता है शॉट, देन शी इज़ सिटिंग एंड देन शी इज़ प्रिपेयरिंग अ डायलॉग्स अगेन एंड अगेन, सो आई थिंक शी इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने हर शो में मुझे इतना प्यार दिया है और इतना पसंद किया है, और हम नया एक नया शो, नई कहानी आपके सामने लेके आ रहे हैं जो कि विच इज़ फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे भी उतना ही प्यार दें, उतना ही सपोर्ट करें, एंड हमें बहुत जल्दी 2-4 दिन के बाद हमारा शो लॉन्च होने वाला है, तो उसको देखें और बस देखते रहें फिर।